नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वंदना की रसोई में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गणपति बप्पा के लिए मोदक, और ये मोदक बहुत ही यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो गणपति बप्पा तो ज़रूर खुश हो जाएंगे खा के ये मोदक। वैसे तो मोदक बहुत बहुत तरह से बनाया जा रहा है, तो हम भी यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं गाजर से बना के मोदक, बहुत ही यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट। तो यहाँ पे हम मोदक बनाएंगे और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम बर्फी भी बनाएंगे। तो दोनों बहुत ही यम्मी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। देखने में भी खूबसूरत, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट, और भगवान को आप बना के चढ़ा सकते हैं। इस समय गणेश महोत्सव चल रहा है, तो बहुत तरह तरह का प्रसाद बना रहे हैं भगवान के लिए। तो आइए गणेश भगवान को प्रसन्न करते हैं और बनाते हैं मोदक, वो भी गाजर का। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए यम्मी सा प्रसाद के रूप में बनाते हैं गणेश भगवान को गाजर का मोदक, और सारी सामग्री देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 250 ग्राम के करीब ऑरेंज वाला जो गाजर आता है वही लिए हैं। इसे अच्छे से धो के छिल लिए हैं। अब इसको हम करेंगे कद्दूकस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कद्दूकस हम कर रहे हैं बिल्कुल बारीक वाले से, तभी इसका परफेक्ट बनेगा। तो गाजर का मोदक बनाने के लिए यहाँ पे हम सारी सामग्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम गाजर को कद्दूकस करके रख लिए हैं। यहाँ पे हम मावा पहले ही बना के रख लिए थे। यहाँ पे हमें चाहिए चीनी, और यहाँ पे चाहिए हमें ड्राई फ्रूट। बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं चाहिए इसको बनाने के लिए। यहाँ पे काजू लिए हैं, अखरोट लिए हैं, बादाम लिए हैं, और पिस्ता है, 4 से 5 इलायची है। इलायची को हम छील लेते हैं। तो यहाँ पे मोदक बनाने के लिए हमें बस इतनी ही सामग्री की ज़रूरत है, और यहाँ पे इलायची को हम छील के ड्राई फ्रूट के साथ ही पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे सारा ड्राई फ्रूट को हम पीस लिए हैं, और देख सकते हैं बहुत बारीक हम पाउडर बनाए हैं। तो यहाँ पे सारी सामग्री रेडी है, ड्राई फ्रूट पाउडर, चीनी और गाजर और मावा। तो 4 चीज़ों से हम बनाते हैं मोदक। तो यहाँ पे हम मोटा बर्तन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास मोटी कढ़ाई हो तो उसी में बनाइए, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेता है। तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच के हिसाब से घी डाले हैं, देसी घी, और इसमें अब हम गाजर डाल देते हैं, और इसे अच्छे से हम करीब 10 मिनट इसे भुनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे करीब 10 मिनट से हम ज़्यादा ही भुने हैं, और भुनने के बाद ये कितना कम हो गया है। और अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे हम 200 ग्राम के करीब इसमें चीनी डाल रहे हैं। आप कम ज़्यादा मीठा रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मीठा रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चीनी एकदम घुल गया है गाजर में, और इसको अब हम अच्छे से भुनेंगे। जब तक ये चीनी इसके साथ बिल्कुल अच्छे से सूखा नहीं लेंगे, तब तक इसको भुनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है गाजर का चीनी के साथ। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट पाउडर। तो यहाँ पे हम करीब 4 से 5 चम्मच इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर डाले हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें रख सकते हैं। इसमें हम किशमिश बिल्कुल नहीं डालेंगे, अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर डालें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे मावा। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे अच्छे से भुने हैं, और अब डालते हैं इसमें मावा। तो यहाँ पे मावा हम 1/2 किलो के करीब रखे हैं, लेकिन इतना हमें नहीं डालना है, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम डालेंगे। तो गाजर में हम करीब 200 ग्राम के करीब मावा डाले हैं, और यहाँ पे मावा को अब अच्छे से मिला लेते हैं। और इस तरीके का आप मोदक बनाइए या बर्फी बनाइए, गाजर का बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे खोआ डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसी तरीके से अभी हमें भुनना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मावा अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसे हमें इतना भुनना है ताकि ये बिल्कुल बर्तन नीचे से छोड़ दें, तभी ये आप चाहे इसको लड्डू बनाइए, मोदक बनाइए, बर्फी बनाइए, जो चाहे वो बना सकते हैं। लेकिन इसे भुनना, अब जैसे कि हम लोग खोवा का बनाते हैं या बेसन का बनाते हैं, तो उसी तरीके से हमें बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं गाजर नीचे से एकदम बर्तन छोड़ने लगा, और नीचे हल्का हल्का आप देख सकते हैं गुलाबी पकड़ भी रहा है। तो अब हमें इसे बंद कर देना है गैस की फ्लेम को। तो
तो गैस का फ्लेम हम बंद कर दिए हैं, अब इसे होने देते हैं ठंडा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इससे हम बनाएंगे मोदक। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाजर का मोदक बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये हो गया है बहुत ही अच्छा ठंडा। अब हाथ पे थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे और इसे मोदक का शेप देंगे। तो थोड़ा सा घी हम पास में रख लिए हैं और इसी तरीके से हाथ में लगाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा लेके, और इसको आप अगर आपके पास सांचा है तो, हम तो हाथ से ही इसे मोदक जैसा शेप देंगे, और जिसके पास सांचा है वो आराम से इसे बना सकता है, क्योंकि आजकल मोदक का तरह तरह का सांचा आ रहा है। मेरे पास नहीं है इसलिए हम हाथ से ही बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं, और जिसके पास है वो तुरंत इसको सांचे में डाले और बनाए, बहुत ही देखने में भी और भी खूबसूरत दिखेगा। लेकिन हम तो यहाँ पे इसे हाथ से ही बनाएंगे, और देखिए बिल्कुल मोदक के शेप दे दिए हैं, और एक एक बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे, और इसी तरह हम सारा मोदक बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मोदक बनके बिल्कुल रेडी हो गया, और गणपति बप्पा इसे खा के प्रसन्न हो जाएंगे और हम लोग भी खा के प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए फिर, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं जो हार्ट के डिज़ाइन का बना है, यहाँ पे ये मेरे बच्चे का चॉकलेट का कवर आता है, ये प्लास्टिक का होता है, तो इसी में डाल डाल के ये सांचा से हम तैयार किए हैं, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोनों। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये मोदक की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया।